ओम शांति। आज 20 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। प्रश्न है आज की मुरली से, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूले होती रहती है, उसका कारण क्या है? उत्तर है, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निराकार शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिरन ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं। गायन भी है, एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त, फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो ऊंचते ऊंच भगवान का। पूछते हैं, यहाँ का उद्देश्य क्या है? तो पहले पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। वह ऊंचे ते ऊंचा बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना। जब गाते हैं हे पतित पावन आओ, तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना। कोई तो पाठ मिला हुआ होगा भगवान का भी, कोई ना कोई पाठ तो जरूर होगा। उनको कहते हैं ऊंचते ऊंच बाप। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच है देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना जो सत्युग में राज्य करते थे, सत्युग स्थापन करने वाले ऊंचते ऊंचा भगवान ही है। बाबा कहे, सत्युग स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। उनको कहते भी है, हेवन स्थापन करने वाला हेवनली गॉड फादर। वह बाप है, उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। बाप का परिचय क्यों देना है? क्योंकि उस बाप से हमें क्या मिलता है? तो ऐसे बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं, बाप माना वर्षा, जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राज योग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है, जरूर कलयुग के बाद सत्युग आना चाहिए। बाबा कहे, बुद्धि भी ये बात स्वीकार करती है कि जरूर कलयुग के बाद सत्युग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट, गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाप आते हैं
तो हम बच्चों को ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना, इसको अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है। जब भी कोई कथावाचक आते हैं कोई शहर में, तो अधिक भीड़ माताओं की होती है, तो अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? जो माताएं ही कथा सुनती है, तो बाबा पूछते, क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे। ये बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। यह भी कहते हैं, भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बरोबर, सतयुग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे न सके। यह भी जानते हो, भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे, भक्ति का फल तो मिलेगा ना। यह बातें भी सब समझानी होती है। पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ, बाबा के ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर सीधा ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। सीढ़ी के अंदर जो समझानी है वो सारी डिटेल की बातें। पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है ऊंचे ते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। पहले बाप का परिचय दो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का परिचय दो, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर है। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद नर्क हो जाता है। राम को भी आना पड़े तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी। यह बातें नटशेल में समझाने की बहुत सहज है। बाबा कहे, यह बातें नटशेल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंचा बाप का परिचय दे, पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है। सतयुग में देवी देवता घराना था, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। यह है चक्र। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। रिजल्ट दे दी बाबा ने, इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है, जिनके मत्थे मामला, वह याद में कैसे रह सके। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। कितनी बातें सामने आती है। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है। नशा भी रहता है। बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा। फिर से
बाबा को नशा रहते कि ये स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय, और जो भी बातें कोई कहे बोलो इससे कोई फायदा नहीं, हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचते ऊंच बाप का। पहले और बातों को साइड में कर, कहो हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप का, वही ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्र को नहीं मानते, तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तभी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वह शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात है ही एक, कौन सी? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, उसको स्पष्ट करना है। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। तो आज सारा अटेंशन बाबा हमारा खिंचवा रहे हैं, आज सारा अटेंशन बाबा हमारा खिंचवा रहे हैं कि बेहद के बाप का परिचय स्पष्ट होना चाहिए। वही पतित पावन है, यह बात पक्की कर लो। गॉड इज वन, बाप माना वर्षा, भारत में आकर वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पतित से पावन बनते हैं, बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है। यही समय है जब बेहद के बाप से भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहां है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। ये एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना। यह जो इतने चित्र है वह है रेजगारी, ये है सब रेजगारी। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते हैं विष चाहिए। बाबा कहते हैं अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते हैं विष चाहिए। उस पर भी यह चित्र है, यह उस पर भी यह चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं, वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा। तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो, हम अब नहीं मानेंगे। स्पष्ट कर दो कि हम अब नहीं मानेंगे, आगे हम मानते थे, अब बाप ने बताया है यह भूल है। बाप से वर्षा मिलता है, अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य है, तो उस समय बाकी सब शांति धाम में है। तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए, बच्चों को सर्विस जरूर करनी है। बाबा कहे बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे। सर्विस क्यों करनी है? बाबा कहे सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे, ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है। कल भी बाबा ने कहा आपस में रूठना माना देह अभिमान की ग्रहाचारी है, तो बाबा यहाँ कहे आज भी शिव बाबा को ऐसे नहीं आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना
या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है, फिर तो ये पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये सर्विस करने के बदले डिससर्विस कर देंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इन जैसा बुरा काम कोई नहीं। आज तो बाबा ने बहुत सख्त रीति से कह दिया, आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इन जैसा बुरा काम कोई नहीं। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो, पवित्र बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग, ज्ञान है सृष्टि चक्र का, आदि मध्य अंत का। होली धुरिया मनुष्य कुछ समझते नहीं है। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंच बाप को सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या। न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर्स हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। सत्युग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं, बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना। सबका फादर तो निराकार है, जिसको ही आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर। क्राइस्ट उनका सन गाया हुआ है। सन से वर्षा कैसे मिलेगा? क्राइस्ट तो रचना है, ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। ऐसे कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। एक गीता में ही है कि माँ मेकम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप का नाम बदली कर कृष्ण का नाम लिख दिया है या भूल कर दी है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। शिव बाबा ये वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गंवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहते हैं मूल वतन में, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन, और यह है थर्ड फ्लोर। सृष्टि यहां है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहां ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है। सारा बाबा अंतिम समय के तरह से हिसाब किताब भरे का चुकतु होगा। तो बाबा का सृष्टि यहाँ है, पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहां ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है, सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब है संगम। इनको संगम को 100 वर्ष देने चाहिए। बाबा कहे अब है संगम, इसको 100 वर्ष देने चाहिए। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा। बाबा कहते बच्चे वह आगे चलकर देखना। पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसे बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना है। तो यह बातें सब याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं।
भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। ऐसे थोड़ी सिर्फ इसी ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास, ब्राह्मणी के कारण मर जाते हैं। गोया बाप से वर्षा लेने से मरे, यह भी बदकिस्मती कही जाती है। बाबा कहे इस तरह से अगर ज्ञान ही छोड़ दे तो बदकिस्मती कही जाती है। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, निरंतर शिव बाबा को याद करना है। कोई से भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्यों देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा नहीं होता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा, सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वह थोड़ी सेंटर हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर्स है जिनका कोई समाचार ही नहीं। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का यह पोता मेल है। सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना, सेंटर के हिसाब किताब का पोता मेल। बाबा कहे आना चाहिए ना। बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता है, यह भी अकल नहीं है। बाबा कहे यह भी एक प्रकार की समझ नहीं है। बल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़ी खोला। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता है, वहां पर फिर जोर भी नहीं आता है। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू। शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते हैं, योग में बहुत कच्चे हैं। बाबा कहे इस तरह लेन देन के हिसाब में बच्चे भूले बहुत करते हैं क्योंकि योग में बहुत कच्चे हैं। जरूर है जितना बाबा के यज्ञ में सफल किया डायरेक्ट भंडारी में डाल करके, तो योग भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूरत भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूरत भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर
अनुभवी मूरत बनो। आज का स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.